मैं तो जहां जाता हूं या समाज सेवा हो कोलकाता के चिना बाजार इलाके में सर्वा कल्याण सेवा समिति के जेरे तमाम फ्री हेल्थ का चेकअप, खून नदिया कैंप और आंखों की जांच के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लीडर संजय बख्शी और मुकामी एमएलए सुष्मिता बख्शी ने शिरकत की। रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, जो आम जनता के हित के लिए काम करेंगे। इसी सत्य से भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और चीना भैया सर्व कल्याण सेवा समिति प्रधान में हर साल हर वर्ष और आज से नहीं 5-6 साल से यह रक्तदान शिविर करते हैं, आई चेकअप करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं और गरीबों के बीच, जरूरतमंद लोगों के बीच, 500,000 लोगों के बीच हम लोग बस वितरण करते हैं। उस वार्ड में जितने भी रहने वाले लोग हैं, घर घर के वोटर, जितने भी क्षेत्र के वोटर हैं, सभी आते हैं, सबको हम लोग साड़ी देते हैं। अभी तक हमारा 140 रक्तदान हो चुके हैं। आज से नहीं 4-5 साल से चीना भैया सर्व कल्याण सेवा समिति लोगों के सुख दुख में है, सुख दुख में रहता है। आज कभी भी किसी को दरकार होता है संस्था, एक युवा मेरे जो युवा टीम है, एक टीम एकजुट होकर संजय साहब, जीवन साहब, सोनू साहब और राहुल सिंह जितने भी सब हैं, संजय भाई जितने भी सब मिलके एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आज से नहीं, कई वर्षों से कर रहे हैं। हाँ, हम लोग के नेता संजय बख्शी ने सिखाया लोगों को सुख दुख में भी रहो, हम लोगों के साथ कल भी हैं, आज भी हैं, लोगों के बीच हम लोग काम करते हैं। आज से नहीं 4-5 साल से सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और ये नहीं सामूहिक प्रोग्राम कर रहे हैं। साल में 3-4 कार्यक्रम हम लोग संस्था के माध्यम से चलता है, चाहे वो सावन का कैंप हो, चाहे वो आपका सावन का कैंप हो, चाहे वो आपका महासंक्रांति हो, चाहे छठ पूजा के कैंप हो, हर कैंप में हम लोग सामाजिक काम से जुड़े रहते हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। और हमारे संस्था की जितने भी युवा टीम है, टीम का काफी योगदान रहता है। अभी एकजुट होकर हम लोग करते हैं। हमारे तृणमूल कांग्रेस के विधायक स्मिता बख्शी उपस्थित हुई थी, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव संजय जी बख्शी, सौम्य बख्शी और हम लोग एक काउंसिलर चौरंगी विधानसभा के काउंसिलर लोग हैं, मौसमी से लेकर बुलूदा से लेकर सभी बंसा से लेकर सभी यहाँ पर काउंसिलर लोग हम लोग प्रोग्राम में हैं। उनका आशीर्वाद हर साल मिलता है, आगे भी मिलेगा और हम लोग